नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल राइजिंग इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कितने टन के एसी में कितने एम्पेयर का एसी बॉक्स लगाना चाहिए। मींस अगर आपका एसी एक टन का है तो उसके वॉट के अकॉर्डिंग, उसके टन के अकॉर्डिंग, उसके वॉट के अकॉर्डिंग आपको कितने एम्पेयर का एसी बॉक्स यूज करना चाहिए। या आपका एसी डेढ़ टन या दो टन का है तो उसमें आप कितने एम्पेयर का एसी बॉक्स यूज करें। तो जनरली होता क्या है कि जब भी हम लोग अपना एसी परचेज करने जाते हैं तो वहां पर एसी के टन की बात करते हैं, भाई उसमें कितनी ठंडक हम लोग को देगा, है ना। मगर आप अगर अपने एसी के लिए एसी बॉक्स परचेज करने जाते हो तो वहां पर एसी के वाट की बात आती है कि भाई आपका एसी आखिर कितने वाट का है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एसी बॉक्स लेना पड़ेगा एम्पेयर देख करके। ज्यादातर लोग एसी का वाट नहीं जानते, जनरली ज्यादातर लोग नहीं जानते। अगर आप अपने एसी का वाट नहीं जानते हैं तो आप अपने एसी के लिए एक ड्यूरेबल एसी बॉक्स परचेज नहीं कर पाओगे। अगर आप शॉप पर गए भी हो, आपके एसी के हिसाब से शॉपकीपर आपको एक ड्यूरेबल एसी बॉक्स दे रहा है या नहीं, या आप नहीं पता लगा पाओगे। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम लोग यही जानेंगे कि हमारे एसी के कैपेसिटी के हिसाब से कंडक्टिविटी उसकी कैसी रहनी चाहिए एसी बॉक्स की। तो बिना किसी देरी किए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं और लेते हैं पूरा मजा। दोस्तों अगर आप अपने एसी के लिए एक एसी बॉक्स लेना चाहते हो तो आपको अपने एसी का वाट पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 टन, अगर आपका एसी एक टन का है तो इज इक्वल टू 3516 वाट निकल के आ गए आपके। एक टन के एसी में 3516 वाट होते हैं। आप गूगल भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए मैंने गूगल कर रखा है ना, ये देखिए 1 टन इज इक्वल टू 3516 वाट है ना पर टन में, है ना। अब देखिए कि हम लोगों ने एक टन में ये तो देख लिया कि हमारे इतने वाट होते हैं, मगर अब हम लोग एम्पेयर निकालेंगे। एम्पेयर भी निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एम्पेयर का फॉर्मूला होता है एम्पेयर इज इक्वल टू वाट डिवाइडेड बाय वोल्ट, है ना। अब हम लोग का जो वाट है वो 3516 है डिवाइडेड बाय 230 वोल्ट से हम लोग कर देंगे, है ना। 15.2 निकल के आएगा, मोटा मोटा 15 एम्पेयर हमारा निकल के आ रहा है। अब एक टन के एसी में आप 16 एम्पेयर का एसी बॉक्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 16 एम्पेयर का एसी बॉक्स है, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। आप भाई सोचोगे यार 16 एम्पेयर में तो हम लोग ये कंबाइंड विद बॉक्स 16 एम्पेयर का यूज कर सकते। नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि एसी होता है पावरफुल, पावर नहीं पावरफुल। और यहाँ पर दिया हुआ है स्विच का, स्विच आपको प्रोटेक्शन कभी नहीं देगा, है ना। या तो ये जल जाएगा या तो ये जल जाएगा, क्योंकि प्रोटेक्शन देगा नहीं आपको, ना शॉर्ट सर्किट के टाइम पे ना ओवरलोड के टाइम पे। तो इसको आप मत यूज करिएगा एसी में, चाहे जितने भी टन का हो। देखिए इसमें क्या होता है, आपको मिल जाती है एमसीबी की प्रोटेक्शन, है ना। और यहाँ पर 16 एम्पेयर का एक बढ़िया सा टॉप और 16 एम्पेयर का सॉकेट और एमसीबी भी आप लोग को मिल जाती है। देखिए अगर आपका ये जो एसी बॉक्स है इसमें अगर आप बात करें कि हमको स्पेयर कैसा यूज़ करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो स्पेयर की बात करेंगे आप, तो इसमें आप 16 एम्पेयर का सॉकेट यूज़ करें, 16 एम्पेयर का प्लग यूज़ करें, और एमसीबी की बात करें तो 16 एम्पेयर से 20 एम्पेयर तक मैक्सिमम। इसमें 25 की लगी है तो गलत लगी, ऐसा क्यों किया है कंपनी में बता देता हूँ। कि जब भी लोग एसी बॉक्स लेने जाते हैं तो कहते हैं हमको एसी बॉक्स दे दीजिए, वहाँ पर वाट की तो कोई बात ही नहीं करता कि भाई हमारा इतने वाट का है तो हमको ये अलग दीजिए, इतने वाट का तो वाला दीजिए, है ना। इसमें एम्पेयर इसलिए बड़ा रखा है, अगर आप इसमें दो टन का भी एसी लगा दोगे तब भी ये आपको जब ओवरलोड होगा तो एमसीबी ट्रिप कर जाएगी, हालांकि ज़्यादा चल नहीं पाएगा, डेढ़ और दो टन में ज़्यादा इसकी क्षमता नहीं रहेगी, ये जल जाएगा कुछ दिनों, कुछ महीनों में, एक डेढ़ महीने में ज़्यादा चल नहीं पाएगा, है ना। इसीलिए इसमें एमसीबी का जो वो लगा हुआ है टाइप वो गलत लगा हुआ है। ये 25 एम्पीयर की एमसीबी इसमें नहीं लगी होनी चाहिए, चूँकि एक टन के एसी के हिसाब से इसकी क्षमता बनाई गई है। आप जब भी एसी बॉक्स एक टन के लिए लें तो उसमें 16 से 20 एम्पीयर का ही एमसीबी का यूज़ हो तभी लें। यहाँ पर एक टन की दोस्तों बात हो गई है, अब बात करते हैं दो टन की कि भाई दो नहीं, अब बात करते हैं डेढ़ टन की। अगर आपका एसी डेढ़ टन का, डेढ़ टन इज इक्वल टू 5274 वाट होते हैं हमारे, तो 5274 डिवाइडेड बाय 230 वोल्ट। अब इसका हम लोग एम्पेयर देखिए सटाक से निकाल लेंगे, 2000 5274 डिवाइडेड बाय 230,
यहाँ पर निकल के आ रहे हैं 22.9, मोटा मोटा 23 एम्पियर निकल के हम लोग का आ रहा है। अब 23 एम्पियर अगर हम लोग का 1.5 टन के एसी में 23 एम्पियर की हम लोग को कंडक्टिविटी यूज़ करनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैवल्स का एथेना मॉडल, हैवल्स क्रैफ्ट का एथेना मॉडल जो हम लोग को खास कर दिया गया है हैवी ड्यूटी प्रोटेक्शन के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए MCB 25 एम्पियर, सॉकेट 16 एम्पियर हैवी ड्यूटी। यहाँ जो आप HD देख रहे हो इसका मतलब होता है हैवी ड्यूटी। अभी इसका मैं कमाल दिखाता हूँ कि बाकी इतना दमदार AC बॉक्स है। 1.5 टन देखिए सबसे ज़्यादा AC यूज़ होते हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसके बारे में बताने में। ये देखिए भाई इसका पूरा स्पेयर भी निकल के आ गया। देखिए मैं आपको एक चीज़ में बता देता हूँ, मैं किसी भी ब्रांड की तारीफ बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ, मगर एक चीज़ आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी बता देता हूँ, जब भी आप AC बॉक्स लें खासकर ये ध्यान रखें कि इसका भी जो स्पेयर है, जैसे इसका सॉकेट, इसका सॉकेट, इसकी MCB आपको मार्केट में इजली अवेलेबल मिल जाए। मतलब कि देखिए अगर मेरा ये एथेना मॉडल है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एथेना की MCB है मेरे पास, ये एथेना मॉडल है, इसकी MCB बाय द वे फ्यूचर में कभी ना कभी ख़राब होगी तो मैं ये वाली लगा लूँगा इसमें। इसका सॉकेट भी मेरे पास अवेलेबल रहता है ना, अगर मेरे एथेना का सॉकेट ख़राब हो गया तो मैं इसमें बदल लूँगा। आप जब भी AC बॉक्स लें खासकर ये देख लें कि जिस भी शॉप से आप AC बॉक्स ले रहे हैं उनके पास इसका स्पेयर होना चाहिए, तभी आप AC बॉक्स वहाँ से लें, अदरवाइज वहाँ से AC बॉक्स मत लें। उनसे कहिए हमको वही वाला AC बॉक्स दीजिएगा जिसका स्पेयर आपके पास ऑलवेज अवेलेबल हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पेयर बहुत ही तगड़ा यूज़ करा गया है। मतलब आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो आप 23 एम्पियर देख रहे हो और आपको यार 16 एम्पियर हैवी ड्यूटी का क्या मतलब, देखिए 16 एम्पियर हैवी ड्यूटी मीन्स 25 एम्पियर है ना, इसमें जो प्लग यूज़ करा गया है वो भी आपका 25 एम्पियर का है, सॉकेट यूज़ करा गया है वो भी आपका 25 एम्पियर का है, और जो MCB यूज़ करी गई है वो भी आपकी 25 एम्पियर की है ना। तो अमंग आर 25 एम्पियर आराम से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इसके स्पेयर का ध्यान रखिएगा तभी लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हैवेल्स है तो आप ले लो, हैवेल्स हालांकि आपको इजली मार्केट में मिल जाएगा, महंगा है, एक बार लगाओगे दिक्कत नहीं आनी भाई साहब। दोस्तों अब बात होगी 2 टन की, कि भाई 2 टन के AC में कितने वाट होते हैं। दोस्तों 2 टन के AC में आपके 7032 वाट होते हैं। अब आप कहोगे भाई इसमें कौन सा AC बॉक्स यूज़ करें, भाई पहले एम्पियर तो निकाल लें। देखिए एम्पियर निकालने के लिए इसको करिए 230 से डिवाइड, 7032 डिवाइडेड बाई 230 निकल के आ गए 30 एम्पियर मोटे मोटे। अब 30 एम्पियर अगर आपका निकल के आ रहा है 2 टन के AC का, तो आप उसमें यूज़ करेंगे ये हैवेल्स का मेटल ग्लैड AC बॉक्स। देखिए है क्या ना कि इसमें 20 एम्पियर का पूरा यूज़ करा गया है इसके सॉकेट और प्लग का है ना। यहाँ पर जो आप असेंबली देखेंगे जो इसमें लगने वाली है वो आपकी 20 एम्पियर की है। ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल AC बॉक्स है खासकर 2 टन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टॉप है मेरा मेटल ग्लैड है ना, अंदर जो है पोस्लिन चीनी मिट्टी का यूज़ करा गया है जो बनाती है आपके AC बॉक्स को लोहा लाट हैवी ड्यूटी फुल हैवी ड्यूटी। ये देखिए जहाँ पर लगा के आप चलाइए इसको, ये लग गया AC बॉक्स में है ना। और यहाँ पर देखिए अब इसके स्पेयर की अगर आप उससे बात करें तो मैं आपको इसके स्पेयर के बारे में बता देता हूँ। देखिए इसमें जो सॉकेट यूज़ करा जा रहा है वो है आपका 20 एम्पियर हैवी ड्यूटी, मीन्स आपको ये प्रोडक्शन देगा 32 एम्पियर तक का है ना, 32 एम्पियर तक का लोड को झेलने की क्षमता रखता है ये मेटल ग्लैड AC बॉक्स। इसमें जो प्लग यूज़ करा गया है वो भी आपका 20 एम्पियर मेटल ग्लैड हैवी ड्यूटी यूज़ करा गया है जो आपको प्रोटेक्शन देता है 32 एम्पियर का, ठीक है। इसमें जो MCB यूज़ करी जाएगी वो जानते हैं दोस्तों, आपकी 32 एम्पियर की यूज़ करी जाएगी, क्यों? क्योंकि दोस्तों 30 एम्पियर का तो इसमें लोड है, अगर अपन 32 एम्पियर की AC MCB नहीं यूज़ करेंगे तो ओवरलोड के केस में ट्रिप ही नहीं करेगी। आप अगर कम एम्पियर की MCB लगा दोगे, 25 की लगा दोगे तो दिक्कत आनी है, 25 एम्पियर की MCB होगी बहुत जल्दी ट्रिप करेगी है ना, मगर ओवरलोड के केसेस में प्रॉपर वे में अगर जो MCB ट्रिप करेगी वो आपकी 32 एम्पियर की MCB ही ट्रिप करेगी है ना। और 32 एम्पियर की MCB लें और वहाँ देख लें कि भाई इसका जो करंट कैपेसिटी है 10 की होनी चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
दोस्तों यहाँ पर मैंने तीन एसी बॉक्स की बात कर दी है और ये वीडियो आपके काफी ज्यादा काम आने वाला है। आपका एसी किसी भी टन का हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एसी बॉक्स परचेज करें। दोस्तों ऐसे मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो है यहाँ पर आप एंड स्क्रीन पे देख सकते हो। और कैसी लगी आज की ये वीडियो इसको ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें आपका अपना चैनल राइजिंग इलेक्ट्रिकल। थैंक यू सो मच दोस्तों।